हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी लेक्चर सीरीज़ का, एंड आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रॉपिकल साइक्लोन को, आगे कुछ रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है इस टॉपिक का, उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारे साइक्लोन्स होते हैं उनका डिफरेंट रीजन्स पे उनको डिफरेंट नेम दिए जाते हैं। जैसे इंडिया में एंड साउथ एशिया में उनको हम साइक्लोन्स बोलते हैं, अटलांटिक एंड साउथ अमेरिका एंड मिडिल अमेरिका में इनको हम हरिकेन्स बोलते हैं, एंड ईस्ट एशिया एंड नियर चाइना एंड वेस्ट पैसिफिक में इनको हम टाइफूंस बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको हम विली विली बोलते हैं, फिलीपींस में इनको हम बेगू बोलते हैं, एंड जो जापान है वहाँ पे इसको हम टाइफू बोलते हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया में इसको हम विली विली बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स में इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं साइक्लोन के। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सेफर सिम्पसन स्केल। जो इंटेंसिटी है हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन की, वो हम इस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेफर सिम्पसन स्केल, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द विंड। ये हमारे विंड की वेलोसिटी पे क्या है, बेस्ड है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब जो हमारी साइक्लोन की स्पीड है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू डैट हमने जो साइक्लोन है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मीन्स उसकी कैपेसिटी को डिवाइड किया गया है। अगर विंड की स्पीड 120 से 150 है तो हमारा जो साइक्लोन की कैपेसिटी होगी, मीन्स जो उसका डिवीजन होगा वो हमारे मिनिमल कैटेगरी में आएगा। अगर इसकी स्पीड 150 से 180 है तो वो मॉडरेट टाइप का होगा, अगर 180 से 210 है तो वो एक्सटेंसिव टाइप का होगा, एंड अगर 210 से हमारा 250 तक है तो वो एक्सट्रीम साइक्लोन होगा, एक्सट्रीम कैपेसिटी होगी इसकी। एंड अगर हमारी साइक्लोन की जो विंड की स्पीड है वो 250 से ज़्यादा है तो वो हमारा कैटास्ट्रोफिक कैटेगरी का साइक्लोन होगा। ठीक है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, अगर मैं फिर से उसकी स्पीड देखूँ तो वो डिफरेंट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे हमारा अगर विंड की स्पीड लेस देन 31 है तो लो प्रेशर, उसको हम लो प्रेशर बोलेंगे। अगर 31 से 49 तक तो उसको हम डिप्रेशन बोलेंगे। अगर हमारी विंड की स्पीड 49 से 61 किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको हम डीप डिप्रेशन बोलेंगे। अगर विंड की स्पीड 61 से 88 किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म। और अगर हमारी स्पीड विंड की 88 से 117 किलोमीटर पर आ रहा है उसको बोलेंगे हम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और अगर हमारे विंड की स्पीड 118 से 221 किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम वेरी सीवियर साइक्लोन। एंड अगर विंड की हमारी स्पीड 222, ठीक है, 222, ठीक है, अगर इतने किलोमीटर पर आर से ज़्यादा हो जाए तो उस वो वाली कंडीशन होगी हमारी सुपर साइक्लोनिक कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ डिवीज़न था हमारा, जो हमारी विंड फ्लो करती है उसकी स्पीड के, जो हमारी स्पीड है विंड की उसके अकॉर्डिंग, लो प्रेशर, डिप्रेशन एंड डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड वेरी सीवियर साइक्लोन एंड सुपर साइक्लोन। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब आगे डिस्कस करते हैं हमारा टेम्परेट साइक्लोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन के डिफरेंट नेम्स है, इसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, इसको हम वेव साइक्लोन भी बोलते हैं, इसको हम डिप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये कैसे फॉर्म्ड होता है, ये मैंने पार्ट वन में भी आपको समझाया था जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था फ्रंट से, कि हमारे कैसे फ्रंट्स बन रहे थे, फ्रंट्स कैसे हमारे वो क्या बोलते हैं वार्म एयर वास्ता एंड कोल्ड एयर वास्ता कैसे एक दूसरे को पुशअप कर रहे थे, एंड हमारे डिफरेंट फ्रंट्स बन रहे थे, फ्रंट बन रहे थे ना हमारे, वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट बन रहे थे। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है कि इन फ्रंट्स के बनने की वजह से हमारा क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। और ये कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है हमारे 35 से लेके 65 नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड, ये हमारा इस लोकेशन में फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये फॉर्म कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारे जो विंड्स है वो कन्वर्ज करती हैं, कैसे, जो हमारी वार्म एयर मास है ट्रॉपिकल, जो हमारी वार्म एयर मास है मीन्स लाइट है, एंड जो हमारी कोल्ड एयर मास है पोलर वाली, ठीक है, कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास के करते आपस में कन्वर्ज करती है एंड क्या करती है, फ्रंट बनाती है। अब ये विंड्स कौन कौन से ले रहा हूँ, एक तो मैं ले रहा हूँ वेस्टर्लीज एंड पोलर वेस्टर्लीज ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो जो हमारा पोलर, जो हमारी पोल से जो पोल, जो पोलर वेस्टर्लीज हैं जो वो फ्लो कर रही हैं, तो वो कंपेरेटिवली क्या होगी, कोल्ड होगी कंपेयर टू वेस्टर्लीज। तो जो हमारी वेस्टर्लीज विंड है वो क्या है, हमारी
वार्म एयर मास है, एंड जो हमारी पोलर स्टर्लीज हैं वो हमारी कोल्ड एयर मास है। दोनों आपस में क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। कन्वर्स करने के बाद में हमारा क्या करते हैं, वो क्या करती है, फॉर्म्ड फ्रंट क्रिएट करती है। देखा था प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो हमारे मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब इसका मूवमेंट करने का मतलब क्या है, इसका मूवमेंट करने का मतलब है जैसे मान के चलो ये इंडिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया ये इंडिया हो गया। अब यहाँ पे कोई हमारा क्या हो गया साइक्लोन, ये हमारा साइक्लोन क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या कर रही है हमारी स्टर्लिंग, यहाँ पे हमारी ट्रेड विंड चल रही है, तो ट्रेड विंड हमारी ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे। तो मींस क्या होगा, जो हमारा साइक्लोन है वो इस तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देगा, इस तरफ को, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को, ठीक है। तो तभी तो हमारा जो इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है, हमारा इंडिया का ये वाला पार्ट है, तभी तो यहाँ पे हमारा साइक्लोन स्ट्राइक करता है, यहाँ पे टकराता है, क्योंकि जो हमारा साइक्लोन का मूवमेंट है, क्योंकि जो हमारी ट्रेड विंड्स मूव कर रही है वो हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, इसलिए जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो हमारा, उसका मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो जाएगा। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन क्या है, अगर ये इंडिया है तो मान के चलो यहाँ पे कहीं पे टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्ली चल रही है, तो टेम्परेट साइक्लोन का जो मूवमेंट होता है वो हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, वो ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ऐसे चल रहे हैं, एंड टेम्परेट साइक्लोन मेरे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन का मूवमेंट क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है ये बन कैसे रहा है, इसका फॉर्मेशन का रीज़न क्या है। तो इसका एक तो रीज़न होता है क्या बोलते हैं, इसका जो टू एयर मास है वो क्या कर रहे हैं, आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं। तो जो हमारा ये साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, ये हमारा डायनामिकली फॉर्म हो रहा है, ठीक है। डायनामिक कैसे हो रहा है कि देखो यहाँ पे क्या है, मैंने वही चीज़ लिखा है कि बिकॉज ये द टू एयर मास इज कोल्ड वार्म एयर मास कन्वर्ज एंड फ्रंट क्रिएट इज फॉर्म द टेम्परेट साइक्लोन। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि दो एयर मास, जो हमारा पोलर विंड्स मूव कर रहे हैं वो वाला पोलर एयर मास, एंड नीचे से हमारा वेस्टर्लीज एयर मास, जो हमारा वेस्टर्लीज मूव कर रही है, तो जो पोलर वेस्टर्लीज हैं वो हमारी क्या है, कोल्ड एयर मास है, वहाँ पे कोल्ड एयर मास होगी। एंड जो हमारी वेस्टर्लीज हैं, वेस्टर्लीज हमारी कैसी एयर मास है, वो हमारी वार्म एयर मास है, दोनों आपस में क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी एंड फ्रंट बनाएगी, एंड फ्रंट बनाने की वजह से हमारा क्या होगा, टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो एक रीज़न तो इसका ये है, दूसरा जी रीज़न ये है कि हमारा ये क्या होते हैं कि थर्मली प्रोड्यूस भी होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा स्टेशनरी नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा हमारे ज़्यादा कंडीशन फेवरेबल नहीं है कि ये थर्मली प्रोड्यूस हो, लेकिन फिर भी प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, उसका रीज़न क्या है, तो थर्मली प्रोड्यूस होने का रीज़न हमारा ये है, जब हम समर्स की बात करते हैं, समर वाले केस में क्या होता है, जो हमारा लैंड होता है, लैंड भी क्या होता है कि क्योंकि देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ पे कैसा प्रेशर जोन क्रिएट होगा, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये लैंड वाला लैंड है कोई, ठीक है। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो यहाँ पे विंड क्या करेगी, ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से क्या होता है कि हमारा यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म्ड हो सकते हैं, ठीक है। लो प्रेशर फॉर्म्ड एट द कंटिनेंट इन द टेम्परेट रीजन, तो हमारे टेम्परेट रीजन में क्या होता है, हमारा कंटिनेंट पे हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, एंड विंड फ्लो टुवार्ड्स द लो प्रेशर जोन, जो हमारी विंड क्या करती है, हमारी फ्लो करती है टुवार्ड्स द लो प्रेशर जोन, नॉट डैट मच फ्रंट क्रिएट बिकॉज इट फॉर्म्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, स्टेशनरी टाइप ऑफ द साइक्लोन फॉर्म, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा फ्रंट क्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फ्रंट नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे जो साइक्लोन बनता है वो स्टेशनरी टाइप ऑफ साइक्लोन यहाँ पे हमारा बनता है, ठीक है। ये ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं है टेम्परेट साइक्लोन बनने, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा क्या हो रहा है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब मैं विंटर्स की बात कर रहा हूँ, विंटर के केस में क्या होता है, विंटर के केस में आप ये देखो कि मान के चलो कोई ये दो लैंड है, बीच में ओशन है, ठीक है, या सोच लो कि ये वाला ओशन वाला पार्ट है, चारों तरफ से हमारा क्या लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। तो विंटर के केस में क्या होगा कि जो हमारा लैंड है ये तो कोल्ड हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, ठीक है, ये कोल्ड हो जाएंगे, लेकिन कंपेयर टू दिस जो मेरा ओशन ओशन वाटर है ना, ये वार्म रहता है, ठीक है। कंपेयर टू दिस क्या होता है, जो हमारा ओशन वाटर है वो क्या क्या रहता है, ठंडा तो वो भी होगा, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ लैंड को एंड ओशन वाटर को, तो जो मेरा ओशन वाटर है
वो वार्म रहता है कंपेयर टू लैंड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, एंड यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो जो लैंड के ऊपर एयर मास होगी वो तो कोल्ड होगी, एंड जो यहाँ पे जो एयर मास होगी वो हमारी वार्म होगी, ठीक है। तो वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास आपस में टकराएंगे, फ्रंट क्रिएट होगा, और फ्रंट क्रिएट होने की वजह से हमारा टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म्ड होगा। तो एक कंडीशन हमारी ये होती है कि विंटर के केस में हमारा कैसे होता है कि अगर कोई हमारा ओशियन है एंड चारों तरफ से क्या होता है, वो हमारा लैंड से घिरा हुआ है, तो लैंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा उसका कंपेयर टू ओशियन वाटर उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होता है, वो कोल्ड हो जाता है। एंड जो ओशन वाटर उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू लैंड। एंड जो ओशन में हमारा क्या होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, एंड लैंड वाले पार्ट में क्या होता है, हमारा हाई प्रेशर जोन रहता है। एंड जो लैंड पे है वहाँ पे हमारी कोल्ड एयर मास है, एंड जो हमारा ओशन है उसमें हमारी वार्म एयर मास है, जिसकी वजह से क्या करते हैं आपस में कन्वर्स करते हैं, टकराते हैं ये, जिसकी वजह से हमारा क्या करते हैं फ्रंट फ्रंट क्रिएट करते हैं, और जो जिन फ्रंट्स की वजह से हमारा क्या होता है टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म्ड होता है। तो एक कंडीशन हमारी ये बनती है, तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि लो प्रेशर फॉर्म्ड एट द वाटर कंपेयर टू लैंड, ठीक है। अब अगर मैं टेम्परेट साइक्लोन की डायमीटर की बात करूं तो इसका डायमीटर 150 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक रहता है, बहुत लंबा इनका टाइम, बहुत बड़े टाइप के साइक्लोन्स होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। तो जो इनका डायमीटर रहता है वो 150 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक इनका डायमीटर रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इसके वर्टिकल एक्सटेंट की बात करूँ तो इसका जो वर्टिकल एक्सटेंट है वो 10 से 12 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। अब वेलोसिटी पे आते हैं, जो वेलोसिटी है टेम्परेट साइक्लोन की समर्स में वो 32 से 33, एवरेज की मैं बात करूँ 32 से 33 किलोमीटर पर आ रहती है, एंड समर्स में वो 48 से 49 किलोमीटर पर आ रहती है विंटर्स में, ठीक है। अब विंड क्या होती है, लो प्रेशर एट द सेंटर, विंड्स मूव फ्रॉम द पेरिफेरल टुवर्ड द सेंटर, कोरियल फोर्स, हाँ ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है कि हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है सेंटर में, ठीक है। देन उसके पेरिफ्री से क्या करती है, सेंटर में क्योंकि लो प्रेशर जोन क्रिएट है तो पेरिफ्री से क्या करते हैं, विंड हमारी सेंटर की तरफ मूव करती है, एंड ऑब्वियसली हमारा कोरियोलो फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई होता है इस साइक्लोन में भी। कोरियोलो फोर्स क्या होता है, कोरियोलो फोर्स हमारा होता है जो हमारा विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है इन द नदर्न हेमिस्फीयर राइट में एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट में, ठीक है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड में मैंने कोरियोलो फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कोरियोलो फोर्स के बारे में समझना है कि कोरियोलो फोर्स क्या होता है, कैसे ये अप्लाई करता है, ये क्यों नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में लगता है एंड क्यों वो सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में लगता है, तो आप ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड वाला वीडियो लेक्चर देख लेना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चलो ठीक है। तो कोरियोलो फोर्स की वजह से जो हमारी डायरेक्शन होती है इसकी, नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट साइक्लोन की डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन होती है हमारी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज हमारा कोरियोलो फोर्स की वजह से होता है। मैंने पार्ट वन में डायग्राम से बताया हुआ है कि कैसे डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज है और कैसे डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। अच्छा एक्चुअली में हो क्या रहा है, जहाँ पे हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, तो लो प्रेशर जोन में वही हमारे पहले की तरह है, जहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे ऐसे विंड क्या करेगी, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। एंड विंड क्या करेगी, ऐसे करके हमारी राइज करेगी, ठीक है। तो राइज कहाँ करेगी, देखो जो हमारा कोल्ड, जहाँ पे हमारा, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा, जहाँ पे कोल्ड फ्रंट बनता है ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बना है, ये यहाँ पे कोल्ड एयर है, यहाँ पे वार्म एयर है, ठीक है। तो ये इस तरफ को पुश कर रही है, ठीक है, ये इस तरफ को पुश कर रही है, तो यहाँ पे तो वार्म फ्रंट बन रहा है, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बन रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी वार्म जो एयर है, वार्म एयर क्या कर रही है, राइज कर रही है, ठीक है। तो जब वार्म एयर राइज करेगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, एक सर्टेन डेप्थ पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वही डायग्राम यहाँ पे बनाया है कि यहाँ लो प्रेशर जो, जहाँ पे वार्म फ्रंट बन रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे वार्म फ्रंट बन रहा है वहाँ पे क्या कर रही है, विंड राइज कर रही है, राइज करने की वजह से क्या करेगी, वो एक सर्टेन डेप्थ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिसमें रेनफॉल होता है टेम्परेट साइक्लोन में, हमारा इसका रेनफॉल हमारा जहाँ पे कोल्ड फ्रंट बन रहे हैं वहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा वार्म फ्रंट बन रहा है वहाँ पे होता है, इन दो रीजन्स में हमको रेनफॉल देखने को मिलता है इन द केस ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। लेकिन जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन पे हमारा उसके एंटायर पार्ट में हमको क्या बोलता है, रेनफॉल देखने को मिलता है
उसको जो हमारा आई वाला पार्ट था, आई में हमको रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है इन द केस ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड इन द केस ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। हमको इसके जहाँ जहाँ पे हमारी फ्रंट फॉर्म्ड हो रही है, जहाँ जहाँ पे हमारा फ्रंट बन रहा है, वहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को मिलता है, प्रेसिपिटेशन होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वार्म एंड मोस्ट ईयर जनरेट वेस्टर्लीज डायरेक्शन। अच्छा, जो हमारी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्लीज है ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वार्म मोस्ट ईयर जनरली वेस्टर्ली डायरेक्शन। ठीक है, जो हमारी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो विंड्स होती है, वार्म एयर होती है, वो हमारी जनरली वेस्टर्ली डायरेक्शन की होती है, एंड पोलर एंड जो कोल्ड एयर है, ठीक है, भी हमारी ईस्टर्ली डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब इसको समझो, जैसे यहाँ पे सॉरी इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी क्योंकि ये वेस्टर्लीज है। ठीक है, तो ये डायग्राम तो मैंने वैसे दूसरे तरीके से बनाया, इसको आप ऐसे समझ लो पहले। तो इस डायग्राम से मैंने इसलिए समझाया कि जैसे कोई एक विंड इधर से वार्म एयर आ रही है, इधर से हमारी कोल्ड एयर आ रही है, एंड ये वार्म एयर मास है, ये हमारा कोल्ड एयर मास है, एंड इसकी वजह से हमारे क्या होता है, बीच में फ्रंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेट साइक्लोन बनता है। ठीक है, दूसरी बात, आइडल कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमारी ऐसी इधर से पोलर वेस्टर्ली जा रही है एंड इधर से हमारी ये वेस्टर्ली जा रही है, एंड ये हमारी कोल्ड एयर मास है एंड ये हमारा वार्म एयर मास है। ठीक है, तो इनकी वजह से ये हमारा कोल्ड एयर मास है एंड ये हमारा वार्म एयर मास है, आपस में टकराएंगे, फ्रंट बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, साइक्लोन फॉर्म होता है। अच्छा, ये मैंने बताया दिया आपको, जो हमारा इसका सोर्स ऑफ एरिया है, द सोर्स एरिया द मूवमेंट हमारा क्या है इसका, वो हमारा जो एरिया है 35 से 65 डिग्री लेटीट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। चलो, मूवमेंट जिसका जो हमारा मूवमेंट होता है वो ईस्टर्ली डायरेक्शन होता है, बट वेरिएबल जो हमारा, मैंने वो आपको बता दिया, जो इसका मूवमेंट है, जो टेम्परेट साइक्लोन है, वो हमारा उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है। ठीक है, एंड पाथ ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन ऑल्सो अफेक्टेड बाय द जेट स्ट्रीम। इसका पाथ जो है जेट स्ट्रीम से भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। एंड जो हमारा नॉर्थ नॉर्थ साउथ सेक्टर होता है साइक्लोन का, टेम्परेट साइक्लोन का जो हमारा नॉर्थ साउथ सेक्टर होता है वो हमारा कोल्ड होता है, एंड जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर होता है वो हमारा वार्म होता है। ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन, अब इसकी हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे हमारा टेम्परेट साइक्लोन हमारा फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म बाय द फ्रंट्स, ये हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन है वो हमारा फ्रंट्स की वजह से क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। अब देखो, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में हमारा स्टेशनरी फ्रंट फॉर्म्ड होता है। अब स्टेशनरी फ्रंट कैसे बन रहा है, अब इस डायग्राम को देखो, कोल्ड एंड वार्म एयर मास, पोलर स्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज पुश्ड। देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो यहाँ से हमारी पोलर स्टर्लीज जा रही है ये, ठीक है, एंड इधर से हमारी क्या जा रही है, वेस्टर्लीज जा रही है। ठीक है, तो जो पोलर स्टर्लीज है ना यार, ये क्या करती है, जो हमारा कोल्ड एयर मास है उसको पुश करती हैं। ठीक है, तो पुश करने में यहाँ पे जो कोल्ड एयर है वो हमारी उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, कुछ तो एयर मास इस तरफ को जाएगा एंड कुछ एयर मास हमारा इस तरफ को जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी पोलर स्टर्लीज चल रही है, तो यहाँ पे एयर जो हमारी कोल्ड एयर है ना उसको क्या करेगी, नीचे की तरफ पुश करेगी ये। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। एंड जो हमारी वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज क्या करेगी, जो यहाँ पे हमारी वार्म एयर मास है उसको क्या करेगी, अपवर्ड पुश करेगी, तो कुछ तो विंड हमारी इस तरफ को मूव कर जाएगी एंड कुछ हमारी मूव जो विंड है वो इस तरफ को मूव कर जाएगी, एंड इनके बीच में हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी कोल्ड एयर मास है, ये हमारी वार्म एयर मास है। एंड फर्स्ट में जो क्रिएट बनेगा हमारा स्टेशनरी टाइप ऑफ फ्रंट हमारा क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा फर्स्ट केस में। ये बात समझ में आई कि भाई ऊपर से हमारी वेस्टर्लीज, यहाँ से हमारी पोलर स्टर्ली चल रही है, नीचे से हमारी वेस्टर्ली चल रही है, यहाँ पे हमारी वार्म एयर मास है वो क्या करेगी, इसको अपवर्ड पुश करेगी इस तरफ को, एंड ये जो हमारी स्टर्ली है ये हमारी कोल्ड एयर मास को पुश करेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, नो हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग, यहाँ पे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमारी पोल से जो विंड्स आ रही है वो हमारी कोल्ड एयर मास है, एंड जो हमारी वेस्टर्ली चल रही है वो क्या कर रही है,
वार्म एयर मास को क्या कर दिया, पुश कर दिए। वेस्टर्लीज मोर इफेक्टिव इन द ईस्टर्न सेक्शन, जो वेस्टर्लीज है वो हमारे मोर इफेक्टिव होते हैं ईस्टर्न सेक्शन में, मतलब इस तरफ को उसका मूवमेंट हो जाता है विंड का ज़्यादातर। कुछ विंड तो इस तरफ भी जाती है लेकिन मैक्सिमम जो विंड हमारी इस तरफ हो जाएगी ईस्टर्न सेक्शन में। एंड वेस्टर्लीज आर मोर इफेक्टिव इन द वेस्टर्न सेक्शन, जो यहाँ से विंड है वो मैक्सिमम इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि कैसे हमारी वेस्टर्लीज एंड हमारी पोलर स्टर्लीज विंड को क्या कर रही है, पुश अप कर रही है। ठीक है, अब स्टेज टू में क्या हो रहा है कि स्टेज टू में नाउ साइक्लोन स्टार्ट टू डेवलप। स्टेज टू में क्या होता है, हमारा साइक्लोन जो टेम्परेट साइक्लोन है वो हमारा फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाता है। पोलर स्टर्लीज फॉर्म द कोल्ड फ्रंट, जो हमारी पोलर स्टर्लीज है वो फॉर्म्ड करती है कोल्ड फ्रंट को। एंड वेस्टर्लीज फॉर्म द वॉर्म फ्रंट, जो हमारा वेस्टर्लीज है वो फॉर्म करते हैं हमारा वॉर्म फ्रंट को। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो ऐसे पुश कर रही थी हमारी यहाँ से पोलर स्टर्लीज, नीचे से हमारी वेस्टर्लीज चल रही थी। ठीक है, तो वो पुश करती रहेगी तो एक टाइम पे क्या होगा कि वो ऐसे पुश करने लग जाएगी हमारी वॉर्म एयर मास को। तो जो यहाँ पे जो फ्रंट बनेगा ना, वो फ्रंट हमारा बनेगा कोल्ड फ्रंट। एंड यहाँ से क्या होगा कि ये यहाँ पे वॉर्म एयर मास है वो ऐसे पुश कर रहा है हमारा किसको, कोल्ड एयर मास को। तो जो यहाँ पे फ्रंट बनेगा वो बनेगा हमारा वॉर्म फ्रंट। ठीक है, तो ये जब हमारा कोल्ड फ्रंट एंड वॉर्म फ्रंट बन जाएगा, ठीक है, देन ये पुश करेगी, देन और पुश करेगी, इनका सर्कुलेशन और बढ़ेगा, ऐसे इसका हो जाएगा मूवमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म्ड हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। स्टेज थर्ड में क्या हो रहा है कि कंप्लीट साइक्लोन फॉर्म, स्टेज थर्ड में क्या हो रहा है कि हमारा साइक्लोन पूरा, जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है वो फॉर्म्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारा फोर्स लग रहा है ना, जो हमारा कोल्ड फ्रंट बन रहा है, जो हमारी कोल्ड विंड्स है, जो हमारा प्रेशर लगा रही है वॉर्म फ्रंट, वो और इंटेंस लगाती हैं, और जो हमारे ये आइसोबार हैं ये और सर्कुलर हो जाते हैं। ठीक है, देख रहे हो ऐसे सर्कुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या है, कोल्ड फ्रंट है, यहाँ पर हमारा वॉर्म फ्रंट बन जाता है। ठीक है, ये और पुश करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, विंड क्या करते हैं, राइज करने स्टार्ट कर जाती है। यहाँ पे हमको कंडेंसेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वॉर्म फ्रंट बन जाती है, वॉर्म एयर मास इधर को पुशअप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। एंड ये इनका प्रेशर लगातार क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या होता है, और पुशअप करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी विंड क्या करती है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर जोन हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंटेंस लो प्रेशर जोन है, तो हमारी विंड क्या होगी, ऐसे ऐसे क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारा कंप्लीटली टेम्परेट साइक्लोन हमारा फॉर्म्ड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कोल्ड स्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज फर्दर पुश देयर रेस्पेक्टिव फ्रंट्स। ठीक है, जो हमारी कोल्ड स्टर्लीज हैं एंड वेस्टर्लीज हैं वो पुश करती है उनके अपने अपने फ्रंट्स को। वॉर्म एयर मास गेट राइज एंड मैक्सिमम रेनफॉल ओकर ओवर एयर। ठीक है, जहाँ पे हमारी वॉर्म एयर मास के कर राइज कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा हमको कोल्ड फ्रंट, वहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्टेज फोर में देखो क्या हो रहा है। स्टेज फोर में क्या होता है कि हमारा जो ये कोल्ड फ्रंट है एंड वॉर्म फ्रंट है, ये बहुत नज़दीक आ जाते हैं, मीन्स वहाँ पे बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। एंड ये दोनों फ्रंट क्या हो जाते हैं, हमारे कोल्ड फ्रंट एंड वॉर्म फ्रंट जो है बहुत नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटेंस प्रेशर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का डायग्राम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंटेंस प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। एंड ये जो हमारा कोल्ड एयर मास है ना, ये इतना इंटेंस हो जाता है, इतना प्रेशर लगाता है कि ये पूरा कम्प्लीटली इस वॉर्म एयर मास के नीचे चला जाता है। एंड जो हमारा वॉर्म एयर मास है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, इसके ऊपर रहता है, मीन्स पूरा राइज कर जाता है, पूरा अपलिफ्ट हो जाता है इस केस में, थर्ड केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में हमारा साइक्लोजेनेसिस, ठीक है, जो हमारा जो ब्रेकिंग ऑफ साइक्लोन है ना, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो साइक्लोन का ब्रेकिंग होना, ठीक है, मतलब हमारा साइक्लोन का टूटना हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पे हमारा ये जो कोल्ड एयर मास है वो कम्प्लीटली क्या होता है, वॉर्म एयर मास की बॉटम में चले जाते हैं। जो हमारा कम्प्लीट जो हमारी वॉर्म एयर है वो क्या करती है, राइज, कम्प्लीटली क्या करती है, राइज कर जाती है। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई आपके। अब वही चीज़ मैंने लिखी है कि द कोल्ड एंड वॉर्म फ्रंट्स कम्स क्लोजर ओवर द ग्राउंड। इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो हमारा कोल्ड एंड वॉर्म फ्रंट है वो क्या करते हैं, हमारे बहुत नज़दीक आ जाते हैं,
कोल्ड एयर मास मोर डेंसर, जो हमारा कोल्ड एयर मास है हमारा ज़्यादा डेंसर है, एंड एग्रेसिव लिफ्ट द वार्म एयर मास अपवर्ड्स, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं, हमारा जो कोल्ड एयर मास है वो काफ़ी डेंसर है, वो क्या करते हैं हमारा जो वार्म एयर मास है क्योंकि वो काफ़ी लाइट रहता है, एंड उसको क्या करता है अपलिफ्ट कर देता है, ठीक है इस केस में। एंड हमारा साइक्लोन क्या है, साइक्लोन हमारा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ द डिसेप्शन, ठीक है। इसकी इस स्टेज में क्या होता है, हमारा द लो प्रेशर सेपरेट फ्रॉम द वेव, जो हमारा लो प्रेशर है वो हमारा वेव से क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है, लूज मोस्ट ऑफ द एनर्जी एंड डिसिपेट, जो क्या करता है हमारी जो जो हमारी इसकी एनर्जी होती है उसको क्या करता है ये लूज कर देता है, एंड जो लो प्रेशर जोन है हमारा यहाँ से वो अलग हो जाता है उस वेव से, ठीक है। एंड इस केस में क्या होगा, हमारा पूरा कंप्लीट जो हमारा साइक्लोन है वो क्या हो जाता है डिसिपेट हो जाता है, एंड एक अलग से छोटा जो हमारा बहुत कम एनर्जी का एक साइक्लोन क्या होता है जनरेट हो जाता है, एंड अलग से हमारा क्रिस्टल टाइप ऑफ फ्रंट हमारा यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट थे इसके बारे में, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, कैसे हमारी फॉर्मेशन होती है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के लिए। एंड फ्रेंड्स, अभी तक हमने ओशन ग्राफ एंड क्लाइमेटोलॉजी लेक्चर सीरीज में ओशन करंट, ओशन टेम्परेचर, ओशन सैलिनिटी एंड ओशन डेंसिटी, देन हमने डिस्कस किया था थर्मोहेलाइन को, देन मैरिन सेडिमेंट की भी दो तीन पार्ट मैंने अपलोड किए थे, मैरिन सेडिमेंट के ऊपर भी डिस्कस कर लिया था हमने सीसीडी के बारे में, लाइसोक्लाइन के बारे में, कैसे हमारा ओशन का पीएच वगैरह वेरी करता है, कब वो एसिडिक होता है, कब हमारा वो एल्कलाइन कंडीशन होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, एंड हमने डिस्कस कर लिया था एल नीनो को, ला नीनो को, एंड दो तीन पार्ट मैंने ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड के भी डाले थे, एंड ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक करंट भी डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। देन हमने जेट स्ट्रीम को भी डिस्कस कर लिया है, देन हमने इंडियन मॉनसून के मैंने लगभग 5-6 पार्ट डाले थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड इसके बाद में अब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा टाइड्स के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड काफ़ी सारा सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक, टाइड्स पे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, एंड नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी में वहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर कर लूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।